करना है, बीच के जवाब से लेना है। प्रोग्राम का आगाज खुदाए बुजुर्ग और बरतर के नाम से, जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, जिसने हमेशा हमें हक पर कायम रहने का हुक्म दिया और हमें सच बात कहने का हुक्म दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बगैर आज हम अपने मेहमान मुनीर मेमन, जो कराची से हैं और मशहूर मारूफ एंकर और सीनियर साफी हैं, उनसे बात करेंगे कि मुनीर साहब, क्या सियासी मंजरनामा आपको नजर आ रहा है ऐवान इक्तदार और शहर इक्तदार से? आपके पास क्या खास खास खबरें हैं हमारे नाजरीन को बताने के लिए? और फिर साथ हमें ये बताएं कि अब जबकि रमजानुल मुबारक का महीना अपने इख्तिताम पर है और ईद के बाद आप क्या क्या सरगर्मियां देख रहे हैं सियासी तौर पर? शाह साहब, सबसे पहले तो आपको वालेकुम सलाम और आपके तमाम तर व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रमजान अब तकरीबन अपने इख्तिताम पे है और बस चंद आखिरी लम्हात हैं, लेकिन रमजान की वजह से हम देखते हैं जो सियासत में एक तातुल सा आया था वो एक बार फिर से हमें एक्टिव होती हुई नजर आएगी। और ईद के बाद दारुल हुकूमत में बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो निकल के सामने आएंगी, क्योंकि बहुत कुछ पिछले दिनों में खिचड़ियां पकी हैं जो अब हांडी चूल्हे पे चढ़ चुकी थी और वो अब बटने के लिए तैयार हो चुकी है। तो वो तो हांडी में दारुल, क्या क्या कुछ पक रहा है वो समझाएं अब आप। अब देखे ना, अगर बात करें जरा इसके तीन चार रुख हैं। एक तो जो केसेस के सिनेरियो है खान साहब का, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जरा केपीके की सूरत हाल से बात करते हैं, क्योंकि पीटीआई का जो अमूमी तासर है ना कि जो इलेक्शन हुए उसके बाद पीटीआई की मकबूलियत पर तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन पीटीआई की कबूलियत एक सवालिया निशान जरूर थी। अली अमीन गंडापुर साहब की, जैसे ही आप देखें बतौर सीएम केपीके की इनका इंतखाब हुआ, एक बहस शुरू हो गई कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या बेहतर चॉइस है या नहीं, क्या वो मुख्तदर हलकों को काबिले कबूल होंगे या नहीं। और फिर आपको ये भी पता चला था कि उनके हवाले से कुछ एफआईआर का तस्करा हुआ, और यहां तक कहा गया कि वो जैसे ही केपीके से बाहर निकलेंगे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब, उनको वैसे तो एक रोल दिया गया था, एक लबो लहजा अगर आप माजी में देखें अली अमीन गंडापुर साहब का, वो काफी ज्यादा वालेहाना होता है, उसमें शिद्दत होती गरम है, जोश, गरम जोश। गर्म जोशी होती है। लेकिन जब वो वजीर आला बन गए और सिवाय उनकी एक पहली तकरीर में हमने देखा कि उसकी कुछ झलक नजर आई, ओवरऑल आप अब तक देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जो खदशात उनसे मंसूब किए जा रहे हैं वो खदशात किसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने यहां तक भी बावर करने की कोशिश की कि वो ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो दीगर सूबों के वज़रा आला के साथ चलने के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्होंने ये तक भी इंश्योर करवाया इस मुख्तसर अरसे में कि वो इदारे के हवाले से भी जो उनका नजरिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वैसा नहीं है जिस तरीके से आमतौर पर एक तासुर दिया जा रहा था। मतलब तो आप यहां पे आपको आपको एक यू टर्न नजर आ रहा है कि वो मजाहमती से मुफाहमती सियासत पर चले गए हैं। अच्छा, ये यू टर्न मैं और आप कह सकते हैं, क्योंकि हम और आप अली अमीन गंडापुर साहब की शख्सियत से वाकिफ है ना, लेकिन अगर आप देखें कि ये एक सियासी तौर पे पॉलिटिकल शिफ्ट भी है, और ये यू टर्न आपको अली अमीन गंडापुर साहब में थोड़ी नजर आ रहा है। अगर आप गुज़िश्ता 1-1.5 माह की तहरीक इंसाफ की क्यादत, जितनी भी क्यादत है, आप गौहर खान साहब की गुफ्तगू सुने, आप शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू सुने, आप अली 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 मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू सुने, या दीगर लतीफ खोसा साहब की गुफ्तगू सुने, सलमान राजा साहब की गुफ्तगू सुने, आपको एक इत्तेदाल पसंदी नजर आ रही है, आपको एक ठहराव नजर आ रहा है, एक यकीन दहानी मतलब नजर आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई माइनस खान पॉलिटिक्स हो रही है, माइनस इमरान खान माइनस खान पॉलिटिक्स तो हो रही है? पॉलिटिक्स हो रही है, माइनस खान तो पॉलिटिक्स हो रही है, और ये तासुर भी देने की गाय बगाय कोशिश की गई कि माइनस खान पॉलिटिक्स नहीं कर रही पीटीआई। बट अगर आप देखें पिछले 2 या 3 माह में पीटीआई ने तो माइनस खान पॉलिटिक्स की है, आपको उस तरीके का स्टांस पीटीआई से भी नजर नहीं आया। बुकला की फौज तहरीके इंसाफ के पास, जो कि इस वक्त ऐवानों में बैठी है, क्या ऐवानों में इस बात का, उस तर्ज का तस्करा हुआ माँ सिवाय चंद तकारीर के? क्या किसी फ्रंट पे कोई ऐसी तहरीक की, जो हम बार बार बातें सुनते रहे, एक तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहता है हम फला तहरीक चलाएंगे, दूसरा कहता है नहीं नहीं फला तहरीक नहीं चला रहे। फिर आपको पीटीआई में मुख्तलिफ बुकला के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज नजर आते हैं,
हर वो शख्स जो कि खान साहब से जेल में मिलके आता है, वो एक पैगाम लाता है, वो आवाम तक पहुंचाता है, वो पैगाम कितना सही है कितना गलत है और किस बॉडी लैंग्वेज में, देखें बात ये नहीं होती है, वो कहते हैं ना उर्दू में कि अंदाज़े बयां बदल देता है हर बात का मफहूम, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। खान साहब की जो जो सबसे बड़ी यूएसपी थी, जो एक्स फैक्टर था, वो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज होती थी। खान साहब अगर कोई बात कर रहे होते थे तो उसका एक इम्पैक्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज की तरफ से आता था। इस वक्त जो बात कही जा रही है, जो खान साहब से मंसूब कर भी की जाती है, वो आमतौर पर वुकला की जबान ही आती है, और वुकला की जो जबान आपको पता है कि मुख्तलिफ होती है एक सियासतदान से या एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर से। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती थी, और वो बॉडी लैंग्वेज जब आपको तहरीक इंसाफ में नजर नहीं आ रही, और जब वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही, तो तहरीक इंसाफ आप देखें काबिल कबूल है। जो लोग वजारतों में, तहरीक इंसाफ अगर काबिल कबूल है तो वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जिसकी अक्सरियत है पाकिस्तान के अंदर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि इमरान खान इस वक्त एक सियासी मकबूल तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की, तो मुझे आप ये समझाएं कि क्या आवाम को भी ये काबिल कबूल है? सर आवाम को पता नहीं है, मैं आपको बताऊं शाह साहब, इस वक्त मसला आवाम को तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। आवाम देख रही है तहरीक, अगर जो तहरीक इंसाफ का वोटर की अगर हम बात करें ना, उसको पता नहीं है कि इस वक्त हो क्या आ रहा है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा कि अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है, कहां पे कौन से मामला चल रहे हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले एक एनआरओ का शोर उठा, वो एनआरओ का शोर उठा या उठाया गया, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान साहब के साथ कुछ मामला तय हो रहे थे, कुछ बातें यकीन दहानियां हो रही थी, और वो ना हो तो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठाई गई हों, खुद अपोजिशन से आवाज उठाई गई हो, ताकि एक प्रेशर बिल्ट हो सके। देखिए आपको पता है, मुझे भी पता है, इस वक्त पूरे सिस्टम में एक प्रेशर मौजूद है, और ये प्रेशर तब तक रहेगा जब तक खान साहब जेल में रहेंगे। नून लीग के अक्सर गुजरा आपको टेलीविजन पे आके कहते सुनाई देते हैं कि खान साहब की सेहत, उनकी जिंदगी एक बड़ा चैलेंज है नून लीग के लिए, और जिस तरीके के केसेस बनाए गए हैं वो बहुत हद तक यकीनी है कि वो केसेस ज्यादा अर्सा ठहर ना पाए, लेकिन इसके बावजूद काफी अर्सा ठहर चुके हैं केसेस। तो अब क्या ये एक सिस्टमैटिक तरीके से जो केसेस हम देख रहे हैं कि करके खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तरीके इंसाफ को एक क्वेश्चन मिलता हुआ नजर आ रहा है? जानबूझ के ये शोशा छोड़ा जाना कि एनआरओ हो रहा है, कोई डील हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ आपको बता रहा है कि कुछ प्रेशर क्रिएट करने की नाकाम सी कोशिश है। हालांकि इस वक्त अगर सिनेरियो देखें तो जो कुछ हो रहा है वो कोई डील का नतीजा नहीं है। डील का नतीजा होता तो फिर वो वाला मामला होता ना कि नवाज शरीफ साहब का 2 दिन के अंदर सारा मामला हुआ, 2 दिन के अंदर ही सब कुछ तय हुआ, 2 दिन के अंदर ही सारे मामला के ऊपर सिग्नेचर हो गए। यहां पे आप देखें बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, एक अदालत पकड़ती है, एक अदालत एक मामले में छोड़ती है, एक जगह पे तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है, दूसरी जगह पे तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ जाती है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो चैलेंज है, जिसके बारे में खान साहब जो जराए बताते हैं कि खान साहब बिल्कुल वाकिफ हैं, कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, जो सियासी क्यादत है या जो लीगल टीम्स हैं, वो थोड़ा रिलैक्स हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पोजीशन जो चाहिए थी ना, वो पोजीशन मिल गई। नहीं लेकिन आप मुझे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे आप ये समझाएं कि देखें केपीके से भी आवाज आ चुकी हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किया जाएगा ईद के बाद। फिर इसी किस्म के एहतजाज की आवाज़ें हमें गौहर साहब के जो है, जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है या उनको चेयरमैन कहा, उनकी तरफ से भी ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन इन बातों का एक फोकल पॉइंट एक नज़र नहीं आ रहा। सर यही यही सवाल मेरा ये है कि ये आवाज आपको पहली दफा सुनाई दे रही है, आपको इलेक्शंस के फौरी बाद ये आवाज सुनाई नहीं दी थी, आपको नहीं याद है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो गौहर खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो शेर अफजल मरवत ने इंटरवीन करके एक अनाउंसमेंट की जिसके बारे में गौहर खान साहब तकरीबन लाल थे, फिर उस तरफ से कुछ बयान आता है जिसके हवाले से पार्टी की अक्सरियत ने शायद लाइलमी का इजहार किया, तो ये तो पहली दफा तो नहीं हो रहा ना, ये पहले भी हो चुका है। और अभी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी आप तहरीके इंसाफ और इमरान खान जो है, इनके ईद के बाद इनकी क्या मतलब, आप इसके अंदर क्या चीजें देख रहे हैं कि क्या होने वाला है? वो मंजरनामा है जो
जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब इमरान खान साहब रिहा होंगे, वो वक्त कब आएगा जिस सब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी आज़ादी से अपनी सियासत करने का मौका मिलेगा। तो मतलब ये समझाएं जरा आवाम को, आवाम इस बात में इंटरेस्ट है। आपको आसान ये देता हूँ ना, एक चीज तय है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों का ख्याल है कि खान साहब की अब ना सियासत में वापसी होनी है, ना ही उनके किसी घर में, चाहे जहान पार्क हो या चाहे बनी गाला हो, उसमें वापसी होनी है। और खान साहब अब अपनी जो बची कुछ जिंदगी है वो अडियाला जेल में गुजारेंगे। मैं आपको जराए से बता रहा हूं कि ये नहीं होने जा रहा। खान साहब की रिहाई तकरीबन ऑन द कार्ड्स है और उसकी एक झलक आपको पिछले दिनों में नजर भी आई। और एक वक्त यहां तक भी कहा गया था कि शायद खान साहब ईद अपने घर पे मनाए, और अभी भी शायद एक या दो दिन का वक्त है, लेकिन इसके हवाले से कहा नहीं जा सकता। ईद मुश्किल है, लेकिन अगली ईद खान साहब अपने घर मनाए इसकी तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरी बात, बात तो आप भी वही कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं सर, एक होता है ना रूल आउट कर देना, वो रूल आउट नहीं हो रहा। ये बता दूं, खान साहब गेम में है और ये नून लीग इस पल्स को समझ रही है। नून लीग को इस बात का बहुत बेहतर अंदाजा है, और ये वजह है कि नून लीग की अगर आप देखें गुज़श्ता 2 या 2.5 महीने के अंदर नून लीग की जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया जो आपको लगे कि नून लीग कुछ एजिटेट कर रही है या कुछ इस तरह का इशारा दे रही है। दूसरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने लगा हूं। हर बार जब कोई सियासी जमात जब एक इस तरह के तलातों से गुजरती है और हम देखते हैं एक रीस्ट्रक्चरिंग का फेज होता है, या जो सियासी जमातें जब परवान चढ़ी होती, इसमें 2012-13 में भी तहरीक इंसाफ का ये अमल हुआ, हमने देखा उस वक्त भी तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसा टोला शामिल किया गया जो अपॉर्चुनिस्ट था, जो इदारों के करीब भी था, जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के और टीयर वन लीडरशिप के करीब भी था, और उसने एक वक्त में इस पूरे कैंपेन को उठाने में बड़ा किरदार किया और इस पूरे निजाम को गिराने में या मफलूज करने में भी उसका किरदार पेश पेश था। ऐसी ही एक सियासी इंजीनियरिंग इस वक्त इंसाफ में फिर हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये समझिएगा, ये इसको आप वक्त के साथ साबित हो जाएगा कि कुछ अपॉर्चुनिस्ट जिनको आप शायद आज से कुछ अरसे पहले जानते भी नहीं थे, वो पार्टी पे अब आ चुके हैं, वो काबिज हो चुके हैं, वो पार्टी के अंदर एक लाइन डिक्टेट कर रहे हैं, और जो खान साहब का विजन जो पार्टी के हवाले से था वो काम नहीं होने जा रहा। मैं आपको बता दूं, खान साहब इस वक्त इस खामोशी के हक में नहीं थे। ये जो पैगाम आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद कुछ करेगी, ये पैगाम तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप का नहीं है जो जेलों के बाहर है, ये पैगाम खान साहब का है, क्योंकि खान साहब ने कहा इनफ इज इनफ। आप अपने ऐवानों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के वजारतों के मजे लूट रहे हैं, इलेक्शन आपने तहरीक इंसाफ के लिए लड़ा, आपका प्राइम मकसद कुछ और होना चाहिए था, और आप अयाशियां कर रहे हैं। आप देखें केपीके में क्या हो रहा है, क्या केपीके में आपको कोई वजीर आके नजर आ रहा है जिसका विजन ऐसा हो जो खान साहब के लिए या शामुद कुरैशी साहब के लिए या परवेज इलाही साहब के लिए या मुराद सईद के लिए आवाज उठा रहा हो, या यास्मीन राशिद के लिए आवाज उठा रहा हो, या उमर चीमा के लिए आवाज उठा रहा हो? नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक तबका जो तहरीक इंसाफ में आज भी उस विजन से अलाइंड है, वो तबका आज भी मुश्किलात का शिकार है, और वो तबके को किसी तौर पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो या तो अपने मौकफ में तब्दीली लाएं, या कम से कम जो 9 मई के वाकयात हैं उस पे माजरत करें, एक रिटन अपॉलोजी दें, और इस बात का अनाउंसमेंट करें कि वो जो कुछ हुआ वो गलत हो, जिसपे तहरीक इंसाफ की वो क्यादत जो जेलों में है वो तैयार नहीं है, हालांकि बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ। अच्छा मुनीर साहब, अभी हम गुफ्तगू का रुख मोड़ते हैं पाकिस्तानी माशियत की तरफ। IMF के साथ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, लास्ट उनकी तरफ से जो है वो इंस्टॉलमेंट वो रिलीज होने का ऐलान हो गया। आगे यही हुकूमत
अभी एक आईएमएफ के साथ मजीद जामा प्रोग्राम के इशारे दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप इस माशी बदहाली और इस माशी बेयकीनी की कैफियत से पाकिस्तान के अवाम कब छुटकारा पाएंगे? अवाम देखें, जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ के बाद, अभी तक कोई तो रिलीफ मिला नहीं है। रिलीफ के वादे थे 300 यूनिट, 400 यूनिट, वो वादे भी चले गए, बिजली भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, और मजीद ये चीज़ें महंगी होती नज़र आ रही हैं। तो आखिर मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या आपको मंजरनामा नज़र आ रहा है? शाह साहब, पहले तो मैं कौम को मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन हकाइक बताना जरूरी है। जो नजर आ रहा है बाजार, मैं कोई पेशगोई नहीं कर रहा, लेकिन जो अपेरेंटली जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, मुल्क में महंगाई बढ़ने जा रही है, और आपकी जो सनअती पैदावार है, जो आपका ताजर तबका है, वो आपको आने वाले दिनों में काफी मुश्किल में नजर आएगा, और प्रोटेस्ट की सूरत में भी नजर आएगा। स्पेस नहीं मिल पा रही, वरना शायद ये प्रोटेस्ट पहले हो जाता, और माह रमजान की वजह से भी ये प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, नहीं हो पा रहे। मुश्किलात बढ़ने लगी हैं सारे सेक्टर्स के लिए। जो तवक्कुआत हैं कि बजट में कुछ आ जाएगा, कोई रिलीफ हो जाएगा, किसी सेक्टर के लिए हो जाएगा, नहीं आ रहा। ये पहले रखिए। दूसरी बात ये कि आईएमएफ के साथ जो मामला जो चल रहे हैं ना, वो आपको फेस पे तो नजर आ रहा है कि हुकूमत कर रही है, लेकिन ये हुकूमत का काम नहीं है। मैं इस हुकूमत को ये नहीं कह रहा कि एक कवर दे रहा, हुकूमत बेबस है, उसके पास ऑप्शंस कोई नहीं है, और क्योंकि जो फैसला है, फैसला साजी है, ये इस हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है। इन्हें मैंने पिछली बार भी कहा था कि हर 2 घंटे बाद तैयार कैसे होंगे, तैयार कैसे होंगे मुनीर साहब, जिनको ये नहीं पता था कि वो इक्तदार में आ रहे हैं, रात को सोए हैं और सुबह इक्तदार मिल गया उन्हें, तो उनके पास डेफिनेटली ना कोई सियासी हिकमत अमली है, ना कोई माशी हिकमत अमली है, वो तो खुद आज तक इसी 6-5 में पड़े हुए हैं कि वाकई हम इक्तदार में हैं कि नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, अब देखें, आप तो कह रहे हैं रात को सोए सुबह इक्तदार मिल गया, डर ये नहीं है कि सुबह इक्तदार मिल गया, डर ये है कि दोपहर सोए और शाम में इक्तदार ना हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कितने ओपन एंड शट केसेस थे इस हुकूमत के बेशतर गुजराओं के। खुद तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो इंक्वायरी हो रही थी, अगर तो वो 16 माह पहले वजीर आजम का हल्फ ना उठाते तो उनका केस तो तैयार था, उनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो ये हुकूमत में बैठे जो लोग हैं वो इस हद तक मजबूर हैं और कॉम्प्रोमाइज हैं कि उनके पास अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहेगा। और मतलब देखिए अब तो आपको काफी अभी भी आपको आईएमएफ से जो हमें इंस्टॉलमेंट मिली है उसके बाद, उस आईएमएफ प्रोग्राम के बाद भी आपको यही महसूस हो रहा है कि महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी और फिलहाल आवाम को रिलीफ की तरफ से ना ही है? सर, महंगाई में कमी नहीं कह रहा मैं आपसे, बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि महंगाई में आपको इजाफा नजर आएगा आने वाले चंद दिनों में, आपको मजीद इजाफा नजर आएगा, आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नजर। आप देख लीजिए ना, आपका एक आम यूटिलिटी का जो बिल है आपका, अगर एक आम बिल की बात करें तो 60-70 हजार में तो आपका बिल एक छोटे छोटे घर का, 2 बेडरूम के फ्लैट का जो अगर बिल है, बिजली का, गैस का, दीगर टैक्सेस मिला ले, तो आपको 55-60 हजार में तो बिल बन जाता है। क्या आपकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम इतनी है? क्या आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी है जो आप इतना कुछ अफोर्ड कर सकें? तो सिस्टम तो टेक्निकली मफलूज हो रहा है और सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज है ही नहीं, ये खुद राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि ना इस मुल्क में माशी इस्तेकाम है, ना इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, और उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी 16 माह की जो हुकूमत थी वो भी सियासी इस्तेकाम ना ले सकी। वो तो एतराफ करें अपनी मजबूरियों का और अपनी ना अहलियों का, तो वो तो हुकूमत खुद एतराफ कर रही है, और हुकूमत को पता है कि जिस दिन यहां पे थोड़ी सी रिलीफ की सूरत हाल बन गई, और इस्लामाबाद में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हुकूमत ज्यादा कुछ नहीं बता दूं साहब, इस वक्त इस्लामाबाद में जो खिचड़ी बन रही है ना, झंडिया पक रही है, उसमें हुकूमत का कोई स्टेक नहीं है, हुकूमत वेट एंड वॉच है, बल्कि प्रेशर कर रही है किसी तरीके से कि ये मामला तो ना करें। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब अभी सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे, वो भी कुछ वजुहात हैं, वो पीछे कुछ मामला और हैं, वो जो दिखाया जा रहा है मामला वो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कुछ अश्योरेंसेस चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि अगर उनको 2-2.5 साल 3 साल का मौका दिया गया है तो 2-2.5 3 साल मुकम्मल होने दी जाए, और उसके बाद उनके केसेस, उनके माजी का ट्रैक रिकॉर्ड वो ना खोला जाए। तो ये इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मेरे साहब, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है,
जाते जाते मैं आपसे आपके शहर के मुताबिक जरूर बात करूंगा, जिसका आजकल हम बहुत ज्यादा तस्करा भी सुन रहे हैं कि यकदम ये कराची को क्या हुआ कि कराची में जराइम की एकदम से इतना रेशो बढ़ गया, दिन रात जो है डकैतियां हो रही हैं, लोग लूटे लूटे जा रहे हैं और अपनी जान भी खो रहे हैं लोग कई वाकयात के अंदर, तो ये यकदम क्या हो गया जबकि आपके तो अभी आईजी भी चेंज हुए हैं। शाह साहब, ये बड़ा अफसोसनाक मरला है कि कराची जैसा शहर, मेगा सिटी, इतना रेवेन्यू जनरेट करके देने के बावजूद, इतना मुल्क की मीशत में हर लिहाज से कंट्रीब्यूट करने के बावजूद, सियासी शऊर की बात करें आपको यहाँ पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से सियासी शऊर के बावजूद भी सियासी मैंडेट इस शहर का तस्लीम नहीं किया जाता, उसी तरीके से इस शहर को भी काफी हद तक लावारिस छोड़ा गया है। आप देखें, मैं तनकीद नहीं करता पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पर, लेकिन मैं क्या कहूँ कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों में ऐसा क्या आपको कराची शहर में या सिंध के किसी एक शहर में भी ऐसा रिफॉर्म, ऐसी जादुई तब्दीली नजर आई हो कि वहां पे गुज़श्ता 2 दिहाइयों से एक ही हुकूमत है, एक ही सियासी जमात की हुकूमत है। आप मुराद अली शाह बतौर वजीर आला, गल में इनका तीसरा टेन्योर है, और वो बतौर वजीर आला हमें नजर आते हैं। आप पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी ने नारे बहुत लगाए, बहुत सी बातें की, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो साहब से भी सवाल तो बनता है ना कि क्या उन्हें शर्जील इनाम मेमन, क्या उन्हें दीगर जो हमें आम नासिर हुसैन शाह साहब या दीगर जो आपके रिवायती सियासतदान हैं, उनके अलावा क्या कोई चेहरे नजर नहीं आते? क्या पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा आपको रिफॉर्म, कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आती कि वो इस शहर को लेके कुछ पॉजिटिव सोचें? आप देखें कि कराची शहर में इस वक्त आलम यह है कि अब ईद में तकरीबन 2 दिन का वक्त है, आपको सड़कों पर रश जरूर नजर आएगा, लेकिन हर शख्स डरा हुआ है कि उसके साथ कोई वारदात ना हो जाए। आप शहर में कहीं भी चले जाएं, आप अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते। आप किसी ओपन एरिया में बैठ जाएं, आप महफूज तस्वुर नहीं करते। हर शख्स परेशान है, और अफसोस की बात यह है कि आप असले का इस्तेमाल अगर आप देखें तो आप सोचेंगे कि इस शहर की पुलिस आखिर क्या कर रही है, इस शहर के इदारे आखिर क्या कर रहे हैं। ये शहर तो एक पुरअमन शहर होना चाहिए था। हर बार हम ये कहते हैं कि इस शहर ने रमजान के महीने में टैक्सेस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, खरीदारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इस बार इस माह रमजान में इस शहर ने लाशें उठाने के रिकॉर्ड तोड़े हैं। इतनी लाशें माह रमजान में उठाई गई हैं कि मैं क्या ही कहूं, क्योंकि बहुत परेशानी है, लोग इतने ज्यादा इस वक्त परेशान हैं कि आखिर इतना बाबरकत महीना, लोग नमाजों पे जाते वक्त कतराते हैं कि क्या घर से और मस्जिद के रास्ते के दरमियान कोई ऐसा शख्स, कोई लुटेरा ना खड़ा हो जो उसकी जिंदगी उसकी ले जाए या उसके प्यारों की जिंदगी ले जाए। तो ये तो सवाल बनता है, और बल्कि सवाल तो शहबाज शरीफ साहब से ही बनता है कि आपने भी तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में कराची के लिए काफी कुछ कहा था, आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो इदारों से भी बनता है कि इनकी जिम्मेदारी बनती। इस वक्त हालात अच्छे नहीं है साहब, ये मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया मेहमत साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का और हमारे नाज़रीन को मालूमात फराहम करने का। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक नए व्लॉग और एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।